हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विवेक गौतम। और आज मैं लेकर आया हूँ यूनिट फिफ्थ का ए पोर्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट वन, जिसमें हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, सब्जेक्ट कोड है BT101 और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस RGPV ऑनलाइन एग्जाम नीट, JEE एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये पार्ट वन है जिसमें 20 एमसीक्यूज लेंगे। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें 20-25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन, IR स्पेक्ट्रम इज अ प्लॉट ऑफ। IR स्पेक्ट्रम जो बनता है वो किसके और किसके बीच में बनता है? ऑप्शन है ए परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेज टाइम, बी परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेज वेव नंबर, सी पी केरिया वर्सेज टाइम, डी पी केरिया वर्सेज वेव नंबर। और ये जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेक्ट्रम बनता है वो बनता है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेज वेव नंबर के बीच में। सो द राइट आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू लेते हैं, द फिंगर प्रिंट रीजन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में फिंगर प्रिंट रीजन होता है जो 400 सेंटीमीटर इनवर्स से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होता है। एक्चुअली में ये जो एरिया होता है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीक्स पाई जाती हैं जहाँ पर इंडिविजुअल पीक्स को आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है। वैसे भी फिंगरप्रिंट रीजन गिवन कंपाउंड के लिए यूनिक होता है, जिसकी वजह से किसी भी कंपाउंड को हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। सो द राइट आंसर इज सी, 400 to 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, यूवी एंड विजुअल स्पेक्ट्रम इज अ प्लॉट ऑफ। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम किसके और किसके बीच में खींचा जाता है? ऑप्शन ए एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ, बी परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर, सी पी केरिया वर्सेस टाइम, डी पी केरिया वर्सेस वेव नंबर। तो यूवी एंड विजुअल स्पेक्ट्रम जो होता है वो एब्जॉर्बेंस वर्सेज वेवलेंथ के बीच में खींचा जाता है। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोफोर। क्रोमोफोर का एग्जाम्पल कौन सा है? तो पहले हम समझ लेते हैं क्रोमोफोर क्या होता है। क्रोमोफोर एक्चुअली में ऐसे ग्रुप होते हैं जो कलर इम्पार्ट करते हैं, इनको कलर इम्पार्टिंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ए सी डबल वन सी, बी सी डबल वन ओ, सी सी डबल वन एन, डी ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे ऑप्शंस क्रोमोफोर की तरह वर्क करते हैं बिकॉज दे ऑल आर कलर इम्पार्टिंग ग्रुप। सो द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स इज एसोसिएटेड विद मॉलिकुलर इमिशन। ऑप्शन में से कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है जो मॉलिकुलर इमिशन से एसोसिएट रहती है? ऑप्शन ए यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, बी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, सी फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, डी एक्स रे डिफ्रैक्शन। इन सारे ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन सही है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मॉलिकुलर इमिशन से एसोसिएटेड रहती है। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, यहाँ हम बता दें ऑक्सोक्रोम क्या होता है। ऑक्सोक्रोम ऐसे ग्रुप होते हैं जो कलर इम्पार्ट नहीं करते हैं बल्कि कलर को इन्हांस करते हैं, इनको कलर इन्हांसिंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है ए सी डबल वन सी, बी एन डबल वन एन, सी एन एच टू, डी नन ऑफ दीज। इन सारे ऑप्शन में से केवल एक ही ऑक्सोक्रोम का ऑप्शन है, वो है NH2। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर सेवन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज करेक्ट। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए IR रेडिएशन इज हायर इन एनर्जी देन UV रेडिएशन, नो। बी IR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड्स द स्कैटरिंग ऑफ द रेडिएशन, बिल्कुल नहीं। सी IR स्पेक्ट्रा गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेमडा मैक्स ऑफ द मॉलिक्यूल, नो। डी IR रेडिएशन इज हायर इन वेवलेंथ देन यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन की तुलना में जो IR रेडिएशन होते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है? हायर होती है। और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर एट, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में इंटरेक्शन को स्टडी करती है? ऑप्शन ए स्पेक्ट्रोस्कोपी, बी क्रोमेटोग्राफी, सी कोलोरिमेट्री, डी नन। इन सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वो है
ए स्पेक्ट्रोस्कोपी विच डील्स विद द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर. सो द राइट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 9. अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स बियर लॉ एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. लैम्बर्ट्स बियर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक लॉ दिया था. उनका लॉ था एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट. एब्जॉर्बेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है. ऑप्शन ए कंसंट्रेशन ऑफ मैटर या फिर कंपाउंड. बी पाथ लेंथ ऑफ सैंपल इनक्यूबेट. तो सी बोथ डी नन. तो लैम्बर्ट्स बियर लॉ ने जो रूल दिया था, जो लॉ दिया था, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ए इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एल. सी फॉर कंसंट्रेशन, एल फॉर लेंथ. सो ये जो एब्जॉर्बेंस होता है वो कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है. सो द राइट आंसर इज सी बोथ. क्वेश्चन नंबर 10. यूवी विजुअल लाइट सोर्स रेंज इज बिटवीन. यूवी विजुअल लाइट का जो सोर्स होती है उसकी रेंज क्या होती है. ऑप्शन ए 200 टू 600 एनएम, बी 200 टू 700 एनएम, सी 200 टू 900 एनएम, डी 200 टू 800 एनएम. तो यूवी विजुअल लाइट का जो सोर्स होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 200 टू 800 एनएम. सो द राइट आंसर इज डी. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर वन विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए फोटॉन इज. जब कोई एटम या मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी लेवल में किसी फोटॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट कर जाता है तो वो किस तरह का स्पेक्ट्रम देता है. ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बी एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सी इमिशन स्पेक्ट्रम, डी नन. निश्चित रूप से वो फोटॉन को एब्जॉर्ब करके आगे ऊपर की तरफ जाता है. सो जो स्पेक्ट्रम देगा वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. सो द राइट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 12. व्हेन एन एटम आर मॉलिक्यूल अंडरगो अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर वन विद द इमिशन ऑफ अ फोटॉन. जब कोई एटम या मॉलिक्यूल जो हायर एनर्जी लेवल पे है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन उसको वो इमिट कर देता है. इमिट करने के बाद हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में शिफ्ट कर जाता है तो जो स्पेक्ट्रम देता है वो स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है. ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बी एडजॉर्प्शन, सी इमिशन स्पेक्ट्रम, डी नन. तो यहाँ पर चूंकि इमिट करता है तो वो कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम. सो द राइट आंसर इज सी. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपी के महत्व के बारे में बताइए. ऑप्शन ए है द रिक्वायर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द कंपाउंड अंडर इन्वेस्टिगेशन. जांच के लिए उनको जो अमाउंट चाहिए, जो कंपाउंड चाहिए होता है उसका काफ़ी कम अमाउंट लगता है. बी दे टेक मच लेसर टाइम, समय कम लगता है. सी दे आर हाईली रिलायबल, काफ़ी विश्वसनीय होते हैं. ऑल दीज एबव. और ये सारे के सारे उसके इंपॉर्टेंस है स्पेक्ट्रोस्कोपी के. सो द राइट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 14. रेफरेंस सेल इज. रेफरेंस सेल क्या होता है. क्या वो ब्लैक सैंपल के नाम से जाना जाता है या ब्लैंक सैंपल होता है या ब्लू सैंपल या फिर कंपाउंड सैंपल. तो रेफरेंस सेल एक्चुअली में ब्लैंक सैंपल होते हैं जहाँ पर रेफरेंस के लिए क्यूबिट रखा जाता है. उसमें किसी भी तरह का सैंपल, उसमें किसी भी तरह का मॉलिक्यूल या कंपाउंड नहीं रखा जाता है. सो द राइट आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 15. EMR स्टैंड्स फॉर. EMR का मतलब क्या होता है. ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, के बी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट रेडिएशन, के सी इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन, की डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो यहाँ पे दो ऑप्शन राइट लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ए एंड डी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो इस क्वेश्चन में आंसर कुछ भी हो लेकिन ए और डी दोनों सही लग रहे हैं. सो द राइट आंसर इज ए. आप डी भी बोल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. EMR आर कंसिस्ट ऑफ. EMR किससे मिलकर बना होता है. न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से कि फोटॉन से. निश्चित रूप से EMR फोटॉन से मिलकर बनते हैं. सो द राइट आंसर इज डी. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ वैक्यूम यूवी. वैक्यूम यूवी का वेवलेंथ क्या होता है. ऑप्शन ए 100 टू 200 एनएम, बी 120 टू 100 एनएम, सी 200 टू 300 एनएम, डी 300 टू 400 एनएम.
तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 100 to 200 nm के वेवलेंथ को, के रेंज को वैक्यूम यूवी के नाम से जानते हैं। सो द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 18, वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, वेवलेंथ किसके इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, बी एनर्जी, सी बोथ, डी नन। निश्चित रूप से वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों के इन्वर्स में होता है। सो द राइट आंसर इज सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 19, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वर्किंग ऑन विच प्रिंसिपल? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? ऑप्शन ए इमिशन, बी एडजॉर्प्शन, सी एब्जॉर्प्शन, डी क्रोजन। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर वर्क करती है। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 20, इसका लास्ट क्वेश्चन है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल में होती है? या फिर बोल सकते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल में होती है? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, बी वेवलेंथ, सी बोथ, डी नन। तो जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है। सो द राइट आंसर इज ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।